आपका टाइम ही नहीं निकलता, भाई का टाइम निकलता है। 8 बज गए, इधर आओ पूरी सही करो। चलो भाई लो पानी की बदल लो, इधर आइए। निकालो अपनी भी, भाईजन की भी, ये भाईजन की भी निकालो। चलो जा रही हैं आप, जाइए। अल्लाह हाफिज। जाइए भाईजन आ रहे हैं, आइए शूज पहन के। हाँ जाइए, जाए देखें आपसे लॉक खुलता नहीं खुलता। रियान आ रहा है, सलाम करो। रियान आ जाओ, ये नहीं पानी की बोतल मेरे हाथ में, वो जाए आ रहा है। रियान जाइए, पढ़ना नहीं लगाया मुँह के ऊपर, जाओ बाबा को बोल देना ठीक है, जो मैंने आपसे बोला है। जाइए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, मिस इज फाइन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, यहाँ मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे और अभी हो गया है बच्चों को स्कूल से लेकर आने का टाइम, तो बस चलते हैं बच्चों को लेने। यहाँ मैं रेडी हूँ बिल्कुल। अच्छा चलो चलो, वो देखो कौन बैठा है, उस्मान। गई नहीं आज, आ गई। हाँ तबीयत सही नहीं, डॉक्टर कुछ कहा? आपने अपना गिलास पानी वगैरह अलग रखें, वरना घर में सबको हो जाएगा। हाँ गिलास वगैरह अलग करें, क्योंकि पहले जब फिर फैला था ना, तो मुझे भी हुआ था, तो डॉक्टर ने ना, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो कहना था आपने गिलास वगैरह एक दूसरे को लगता है। हाँ आपको भी किसी से लग गया हो, कहीं जाके आपने पानी वानी वगैरह कुछ पिया होगा ना, तो ऐसे लग गया होगा। आजकल फैला भी बहुत है, ये बहुत फैला हुआ है। चले अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है वो। तो आप भी तो मारती हो भाई को अपने छोटे भाई, बड़े भाई को बाल खींच के। चलो चलो, लाइट आ गई है, चेंज करो कपड़े, अजान बोलो। उन्होंने कहा शौक से उतार के जाएगा बेटा शूज के साथ, मैं गेट खोल रही हूँ। शौक से उतारो पहले, आऊँ उसे कपड़ा तकवाओ, जल्दी साथ चेंज करो। अरे गाइस यहाँ पर रियान जा रहे हैं टू मदरसे, जाओ बेड लगा लेते हैं। रियान बेड लगा लो, धूम बेड लगा के। अच्छा सही करो शर्ट, सही करो आके लगा लेना मदरसे में, सही से पहनना। ट्यूशन जाओगे ना, लगा लेना सही है। जाओ अल्लाह हाफिज़, सलाम करो। जाओ जाओ भी देख लो। सिपाही से पकड़ो,
हाँ साथ में आ जाना, या फिर मैं आ जाऊँगी 6 बजे तक, वैसे 6 बजे तक आऊँगी। चलो अच्छा चलो चलो, 4:30 तो यहीं होगा, कब 6 बजे नहीं। अब मैं उमुल खैर रेयान की वजह से देर में आऊँगी। पंखा कौन बंद करेगा, मैंने कहा था फ़ैन ऑफ कर दें। आज रेयान भी जा रहे हैं उमुल खैर के साथ ट्यूशन, क्योंकि मैंने दोनों को वहीं बिठा दिया, क्योंकि उनकी जो ट्यूशन वाली है रेयान की शादी, उनकी शादी होने वाली है कुछ ही महीने बाद, तो मैंने कहा अभी से वो लेके चलेंगी इसको, तो फिर सही रहेगा ना, उनके वो भी समझ में आ जाएगा और इसकी भी समझ में आ जाएगी उनकी पढ़ाई। और कुछ दिनों में एक चीज़ आने वाली है। क्या आने वाला है? चलो किचन में कर, अच्छा किचन में क्या हो? अक्टूबर, अक्टूबर। अच्छा ना, अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ है। आज क्या तारीख है? 2 तारीख है ना। नहीं हो रहा है गेट, क्या हो गया इस गेट को? चलो पहनो स्लीपर, पहनिए मुखा, आपने स्लीपर पहनी। चलो मैंने आपसे क्या कहा था, दवाई पी लेना, दवाई देखो मुझे याद नहीं रही, अभी भी आपको दवाई देनी थी। चलो उतरो उतरो मन खाए, जल्दी जल्दी 4:30 हो जाते हैं, आप लोग को जाते आते हैं, कल से जल्दी जाना था, ये 4 बजे रेयान उमुल खैर रेडी हो जाना। चलिए चलिए इधर से, चलिए इधर से उमुल खैर। आगे बढ़ो दोनों, ले ली पास पास चली। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ घर, बच्चों को छोड़ के दोनों को, और दोनों का मैंने एक जगह ही बिठा दिया, तो अभी जब लेकर आने की वैसे टेंशन तो नहीं है, पर उन खैर कह रही थी कि मम्मा मुझे लेने आइएगा, तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं टमाटर और चने की दाल लौकी का सोची थी, आज चने की दाल लौकी बनाते, तो लेके आई हूँ चने की दाल भी और लौकी भी। ये देखें बस, अभी यहाँ से ब्लॉग खोलते हैं, फिर खाने की तैयारी करेंगे, लाइट आएगी तो। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी सफाई वगैरह कर ली है, और सफाई वगैरह करके अब मैं मतलब दाल मैंने चढ़ा दी हल्की आंच पे रख के, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने ट्यूशन, तो अगर वापसी में ट्यूशन लेके आती हूँ, अभी तो फिलहाल पहला दिन है रेयान को, तो इसलिए मैं लेके आ रही हूँ, वरना मैं कहूँगी कि रेयान को वापसी में थोड़ा सा जो होता है कि चहल पहल वाला रूट होता है, तो मैं कहूँगी कि आप खुद ही आ जाया करना, क्योंकि शाम के टाइम पर काम का टाइम होता है, वैसे भी अभी लाइट गई हुई है, लाइट आएगी तो उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करेंगे। हाँ लाइट आएगी तो अपना काम स्टार्ट करूँगी, तो अभी लाइट अभी आई नहीं है, जब तक मैं बच्चों को लेके आऊँगी, बस लाइट आने वाली है, देर में लाइट भी आ जाएगी, चलते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे उमुल खैर मदरसे से आ चुकी, ट्यूशन से आ चुकी हैं, अब जा रही हैं मदरसे। रेयान तो मदरसे 3 बजे चले जाते हैं पढ़ने, बट ये नहीं जाती हैं, अब ये ट्यूशन से आएंगी, अब ये जा रही हैं आराम से, गिनना नहीं आराम से जा। रेयान कहाँ है? रेयान रेयान वॉशरूम में हो? रेयान जरा उसको छोड़ के आओ। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो रहा है, बल्कि हो चुका है रेडी। हाँ तो यहाँ पे आज हमें बनाई है चने की दाल लौकी का सालन, ये देखें, और यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं चावल, देखें वाइट राइस बॉयल हो रहे हैं, चावल लगे चमचे पे, चूल्हा बंद कर देती हूँ, धो गए होंगे, दम के लिए रखे थे, दम इन पे आ चुके हैं, और दम मैंने अपने लिए 2 रोटियाँ बनाई हैं फिलहाल, क्योंकि बच्चों के चावल थोड़े कम थे घर में, तो मैंने कहा शकीन और बच्चे खा लेंगे, मैं अपने लिए रोटियाँ बना लेती हूँ, बस लगाते हैं दस्तरखान, बच्चों को बोलते हैं खाना रेडी है, लाइट चली जाएगी, इससे पहले हम दस्तरखान लगा लेते हैं। चलो दस्तरखान लेके चलते हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे ज़्यादा नाते वाते चल रही हैं, ध्यान ने तेज़ आवाज़ में चलाई हुई है, तो आवाज़ हल्की करवाते चुका है, दस्तरखान लग रहा है, देखो मैंने कैसी ड्राइंग करी है। चलो सही है, ड्राइंग करके जल्दी से खाना हो दस, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो घिस रही हैं, इनको ना ब्लैक ब्लैक हुआ हुआ होता है, इसको खींचना होता है, स्क्रैच करना होता है, मतलब ये ऐसे होते हैं स्क्रैच करके ना इनके अंदर से, फिर ऐसे कार्टून निकल आते हैं इस तरह का, पूरा स्क्रैच करके ना पूरा कार्टून बन जाते हैं, ब्लैक होता है, पूरा ब्लैक होता है, बीच में कार्टून। उमुल खैर कह रही है मैं कलर कर रही हूँ, देखें डंडी से स्क्रैच कर रही है, स्क्रैच कर रही है, इसको कलर लग रहा है, वहाँ लगाइएगा चार्जर का, तो इसका निकाल दो, टीवी का था मैं चार्ज पे लगाऊंगी, लाइट तो वैसे जाने वाली, देखें 7:30 हो गए और मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, जैसे खाना खा लो लाइट चली जाएगी, सही दस्तरखान भी सही। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है, लाइट गई हुई है और मोबाइल में चार्ज भी नहीं, जिस वजह से लाइट की
चार्जिंग नहीं है तो मोबाइल का फ्लैश भी नहीं चल रहा है। और बस यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ी है मुल्खा, आपने पढ़ी? पढ़ो आपने रियान, पढ़ो। आपको चावल इसलिए बना के दिए, वरना मैं रोटी बनाती आपके पेट की वजह से। आपके लिए मेरा पेट सही नहीं है तो इसलिए मैंने आपको चावल बना के दिए, वरना मैं आज रोटी ही बना देती। जी चलो जी खाना खाते हैं। सही है खाना खा रहे हैं ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह वाला बरकत ला। चावल भी अच्छे बने हैं और दाल भी टेस्टी बनी है। चल खा लो। थैंक यू। अच्छा जी गाइस यहाँ पे शकील आ चुके हैं, अभी अभी आए हैं, खाना वाना खा के चाय पी रही हैं। चाय इनकी रखी हुई है। कोको कोला तो अमुल खा, रेयान ने खाई थी। और रेयान अभी सो चुके हैं। रेयान डर से, और अभी जो क्या कहते हैं लाइट चली गई थी, लाइट गई थी तो मैं भी सो गई थी। मेरी छोटी थी नहीं थी कि मैं सो गई। और अभी बाबा आए ना तो बाबा के बारे में लग गई, तो अभी रेयान को मैंने सुला दिया था। लाइट गई थी, छोटी जितनी नींद आई थी कि मैंने दोनों को भी बोल दिया कि आप दोनों सो जाओ, तो रेयान तो सो गई, अमुल खैर भी सो गई थी। तो अभी अभी उठी अमुल खैर भी थोड़ी देर पहले, शकील के आने से पहले उठ गई थी। फिर थोड़ा अभी शकील आए, शकील खाना वाना दिया और यहाँ बच्चों की यूनिफॉर्म पे मैंने इस्त्री करी है, इस्त्री करके। और बस अभी मैं बैठी थी, खाने के साथ बातें करके बस अब सोने की तैयारी करेंगे। लाइट जाने का फिर टाइम हो गया, अभी लाइट आई है, अभी सिर्फ खाना खाया और शकील ने आने के बाद, और कुछ भी नहीं, एक डेढ़ घंटा पूरा हो गया। आधा एक घंटे में शकील ने खाना वाना खा के, और फिर उसके बाद बस अब सोने की तैयारी हो रही है। मैं तो थोड़ा सो के उठ गई हूँ। अब मुम्बल खाए देखें, मुम्बल खाए फ़ौरन सो जाना, सुबह स्कूल जाना है, सोती रही है। एक दफ़ा उठ जाना तो फिर बच्चे सोते नहीं है। मैं सोता हूं ना, मेरे साथ सो जाते हैं। तो बस आज का वीडियो मेरा यही तक का था। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड नंबर पर। आज तक के लिए इतना ही, जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।